तूने शैतान के बारे में सुना ही होगा। वो शैतान मैं ही हूँ। I want a lookout notice against this guy. शाहरुख खान की जगह डॉन बन रहे हैं रणवीर सिंह। जाने कब शुरू करेंगे डॉन 3 की शूटिंग। डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 को लेकर एक धांसू अपडेट सामने आ रही है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स की माने तो डॉन 3 की शूटिंग शुरू होने वाली है। कहा जा रहा है कि फिल्म के लीड हीरो रणवीर सिंह डॉन 3 की शूटिंग इसी साल अगस्त में शुरू करेंगे। आपको बता दें कि फरहान की डॉन के पहले दो पार्ट में शाहरुख खान लीड रोल में थे, हालांकि उन्होंने इसके तीसरे पार्ट में काम करने से मना कर दिया और फिल्म रणवीर की झोली में चली गई। बता दें कि डॉन 3 का प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो गया है। रणवीर सिंह का पिछले कुछ सालों से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। 2022 में आई उनकी फिल्में जयेश भाई जोरदार 83 और सर्कस बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। वही 2023 में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर इज्जत बचा ली। करण जौहर की ये फिल्म हिट रही और अच्छी खासी कमाई भी की और रणवीर डॉन 3 के लिए चर्चा में बने हुए हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के माने तो डॉन 3 की कास्टिंग का काम मेकर्स ने शुरू कर दिया है। 2023 में डॉन 3 के मेकर्स ने फिल्म की घोषणा का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में रणवीर अपनी दमदार आवाज में डायलॉग भी बोलते नजर आए थे। हालांकि रणवीर की सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। फरहान अख्तर की फिल्म डॉन के दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे थे। दोनों ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोनों फिल्मों में शाहरुख खान ने लीड रोल प्ले किया था। शाहरुख खान की डॉन 2006 में आई थी और 38 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 106.34 करोड़ का बिजनेस किया था। वही डॉन 2 जो 2011 में रिलीज हुई थी को 76 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने 202.81 करोड़ का कलेक्शन किया था।